हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 के सिविक्स के पार्ट के फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी पर डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी के बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि इक्वालिटी क्या है। आज हम सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, हमारा देश डेमोक्रेटिक है या नहीं है, और क्या क्या समानताएं हैं हमारी देश में। इन सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यू मस्ट हैव हेयर ऑन रेडियो और सी ऑन टीवी और मस्ट हैव रीड दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। आपने रेडियो पर सुना होगा या फिर टीवी पर भी देखा होगा या फिर कहीं पर पढ़ा होगा कि भारत सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। संसार की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कौन सी है, वो है इंडिया, है ना। और वेयर एज पाकिस्तान एज ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इतना तो क्लियर हो गया आपको कि इंडिया क्या है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, वेयर एज पाकिस्तान हैज ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी, जैसे कि अभी आपको बताया था। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सो डेमोक्रेसी को हिंदी में कहते क्या हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। सो लोकतंत्र क्या है, है ना। तो लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें लोग देश के शासन में स्वतंत्र रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। दे इलेक्ट देयर रूलर्स थ्रू इलेक्शन, वे चुनाव के माध्यम से अपने शासकों का चुनाव करते हैं। द गवर्नमेंट इज अनस्टेबल टू द पीपल फॉर ऑल देयर डिसीजन एंड पॉलिसीज। सरकार अपने सभी डिसीजन, अपनी सभी पॉलिसीज के लिए लोगों के प्रति अनस्टेबल है। इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन के शब्दों में, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है ये जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि विभिन्न प्रकार की सरकारें। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट डैट एग्जिस्ट इन द टुडे वर्ल्ड। आज की दुनिया में डिफरेंट टाइप की सरकारें मौजूद हैं। फर्स्ट इज मोनार्ची। मोनार्ची को हिंदी में बोलते हैं राजशाही। मोनार्ची इज अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। Many countries of Europe had this system of government. यूरोप के राजशाही दुनिया में सरकार का दूसरा रूप है, दूसरा फॉर्म है। इसको हम कह सकते हैं कि मोनार्ची is another form of government in the world. Many countries of Europe, यूरोप के कई देशों में सरकार की यह व्यवस्था थी। कौन सी? मोनार्ची वाली व्यवस्था थी। An obsolete monarchy is a hereditary system of government where the ruling family, the monarch has total control over a state. यूरोप की कई देशों में, जैसे कि अभी बताया कि मोनार्ची यानी कि राजशाही वाली जो गवर्नमेंट थी ये यूरोप में थी, और ये पूर्ण राजशाही सरकार की एक वंशानुगत प्रणाली है। वंशानुगत प्रणाली, देखो मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। जैसे कि आपके घर में आपके फादर हैं, ठीक है,
उसके बाद तो अभी आपके जो उत्तराधिकारी है, पूरे घर पर जो शासन चलता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है घर पर, वो कौन लेता है? वो आपके फादर लेते हैं, है ना? तो वो क्या है, अभी वहाँ के राजा आपके फादर हैं, और राजा के बाद में यानी कि आप उनके बाद में उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा? उनका ही वंश बैठेगा, है ना? तो वहाँ वंशानुगत प्रणाली है, यानी कि बाप के बाद कौन बैठेगा? बेटा बैठेगा, बेटे के बाद फिर उसका बेटा बैठेगा। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं राजशाही, यानी कि मोनार्ची। आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया कि मोनार्ची क्या है। ठीक है, तो ये पूर्ण मोनार्ची सरकार की एक वंशगत प्रणाली है, जहाँ शासक परिवार सम्राट का राज्य का पूर्ण नियंत्रण करता है। ओके, अब हम बात करते हैं थियोक्रेसी की। इन अ थियोक्रेसी देयर इज एन ऑफिशियल रिलीजियन, पीपल बिलोंगिंग टू डैट रिलीजियन हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स। थियोक्रेसी में एक आधिकारिक रिलीजियन होता है, एक ऑफिशियल रिलीजन होता है। पीपल बिलोंगिंग टू डैट रिलीजियन हैव एन एडवांटेज ओवर अदर। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज अ थियोक्रेटिक स्टेट, ऑल द सिविल लॉज आर मेड टू कन्फॉर्म टू इस्लामिक टीचिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉलो इस्लाम। उस रिलीजियन के लोगों को दूसरों पर फ़ायदा होता है। कैसे? यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि पाकिस्तानी क्या है। पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, यानी कि एक धार्मिक राज्य है। सभी नागरिक जो पाकिस्तान के रहने वाले सिविल हैं, जो नागरिक हैं, तो वो सभी नागरिक कानून इस्लामी शिक्षाओं के रूप में अनुरूप बनाए गए हैं, है ना? इस्लामिक टीचिंग की वहाँ पर क्या की जाती है, वहाँ पे जो लॉ बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? इस्लाम से बने हुए, इस्लामिक लैंग्वेज जो होती है उससे बने हुए हैं। तो इस्लामिक शिक्षाओं के अनुरूप बनाए गए हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग किसको मानते हैं, वो कौन से धर्म को मानते हैं? वो मानते हैं इस्लाम को। तो ये क्या है, ये थियोक्रेसी है, जहाँ पर हमारे धर्म को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ओके, उसके बाद है डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तानाशाही की यहाँ पर बात आ रही है। सच अ सिस्टम कैन बी अ मिलिट्री डिक्टोरियरशिप्स, इन अ डिक्टोरियरशिप द ऑर्डिनरी सिस्टम हैव नो से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द हेड ऑफ डिक्टेटर हैज एब्सोल्यूट पावर इन दिस सिस्टम, थस एट टाइम्स द डिसीजन टेकन कैन बी अगेंस्ट द विल ऑफ द मेजोरिटी। ऐसी व्यवस्था, यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम की बात हो रही है जो तानाशाही हो सकती है। डिक्टेटोरियल का मीन्स क्या होता है? तानाशाही। तो एक तानाशाही में डिसीजन लेने के जो प्रोसेस में सामान्य प्रणालियों को कई अधिकार नहीं होते हैं। इस व्यवस्था में मुखिया या तानाशाह के पास पूर्ण शक्ति होती है, जो उसका मेन डिक्टेटर होता है ना, उसके पास में, या जो हेड होता है उसके पास में ही सिस्टम की सारी शक्ति होती है, और उस राज्य में, उस देश में केवल उसका ही राज्य चलता है। यानी कि वो जो कहता है वही होगा, वो लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन वो जो बोलेगा वहाँ पर वही सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो ये होता है तानाशाही। तो सारी शक्ति किसके पास में होती है? या तो मुखिया के पास में होगी, या फिर जो वहाँ का तानाशाह होता है उसके पास में होती है। तो इस प्रकार कई बार लिए गए निर्णय बहुमत की इच्छा के विरुद्ध हो सकते हैं, है ना? क्योंकि हम जिसको नहीं चाहते हैं कि वो हमारे देश का या हमारे एरिया का राजा बने, बट फिर भी वो राजा बन जाता है, तो ये क्या होता है? ये तो हमारी इच्छा के विरुद्ध है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? तानाशाही बोलते हैं। द रूल ऑफ हिटलर इन जर्मनी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज द डिक्टोरियल रूल। द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में हिटलर का शासन किया था? ये तानाशाही था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में किसका चल रहा था उस समय? केवल हिटलर का चल रहा था। लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, तो वो तानाशाही था। आगे हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। डिफरेंट फॉर्म्स, विभिन्न रूप में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट कैन आल्सो बी ऑफ वेरियस फॉर्म्स। सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी विभिन्न रूपों की हो सकती है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। सरकार का संसदीय स्वरूप और राष्ट्रीय शासन प्रणाली दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक सरकार का संसदीय स्वरूप और राष्ट्रीय शासन प्रणाली। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी यूनिटरी और फेडरल इन नेचर। इनके अलावा लोकतांत्रिक सरकार प्रकृति में एकात्मक या संघीय हो सकती है। इन बोथ यूनिटी एंड फेडरली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रेसिडियल पावर रेस्ट विद द सेंटर एंड नॉट विद द स्टेट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकिंग लॉ इशूज ऑन विच द सेंटर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द इशू ऑन विच द स्टेट असेंबली कैन मेक लॉज आर डिवाइडेड। इनके अलावा जैसे कि अभी मैंने बोला, लोकतांत्रिक सरकार प्रकृति में एकात्मक भी हो सकती है और संघीय भी हो सकती है। सरकार में एकात्मक और संघीय दोनों रूप में अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो किसके पास होती हैं? वो केंद्र सरकार के पास, केंद्र के पास में होती हैं, ना कि राज्य के पास में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये तो आप जानते होंगे ना। तो सरकार के जो एकात्मक और संघीय दोनों रूपों की जो शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास में होती हैं? केंद्र के पास में होती है। और कानून बनाने की अगर हम बात करें तो कानून बनाने में जिन मुद्दों पर केंद्र या संसद और जिन मुद्दों पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है वे कैसे होते हैं? वो सब अलग अलग होते हैं, उनको डिवाइड किया गया है। तो वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी की क्यों आवश्यकता है, हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, है ना? गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा पर आधारित सरकार। फर्स्ट इसका ये है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड इट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टेंट। लोकतंत्र लोगों की विल्स पर, यानी कि उनकी इच्छा पर आधारित होता है और ये उनकी सहमति के अनुसार जो वर्क होता है वो भी करते हैं। द फैक्ट इज डैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कांट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोकतंत्री सरकार लोगों के हितों के लिए उनको अनदेखा नहीं कर सकती है। लोगों की जो ज़रूरतें हैं, लोग जिन कामों में खुश हैं, काम का मतलब है कि जिस राज्य की जो सरकार है उस राज्य का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, जनता की क्या क्या नीड्स हैं जो सरकार पूरा कर सकती है, तो सरकार को ये करना होगा, क्योंकि उस सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया गया है? जनता के द्वारा किया गया है। और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो पीपल के इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकती। टू रन एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज एंड प्लान्स कीपिंग इन माइंड पब्लिक इंटरेस्ट एंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल पे ड्यू रिस्पेक्ट टू द विशेष ऑफ द पीपल। प्रशासन चलाने के लिए सरकार जनहित को क्या करती है? जनहित को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, उनको बनाती है कि किस में हम ऐसे क्या प्लान्स बनाएं, हम ऐसे क्या पॉलिसीज बनाएं जिससे लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें।
ताकि नेक्स्ट टाइम भी क्या करें, नेक्स्ट टाइम भी जनता हमें ही वोट दे, यानी कि हम उनके उनकी जो ज़रूरतों को हैं पूरा कर सकें, है ना। और प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए लोग लोगों की जो इच्छाएं हैं उनका हम सम्मान कर सकें। सेकंड है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि जिम्मेदार सरकार। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है, वो एक जिम्मेदार सरकार होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमें कौन सी प्लान बनाने, कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है जिससे हमारे राज्य के जो लोग हैं वो अपना खुशहाल जीवन बिता सकें, तो उनको अपनी जिम्मेदारियां पता होती हैं। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस रिमेन रिस्पेक्टेबल टू द पीपल एंड इन केस दे डू नॉट रिमेन रिस्पॉन्सिबल द पीपल कैन चेंज देम ड्यूरिंग द नेक्स्ट इलेक्शन। लोकतांत्रिक सरकार क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है। अब यहाँ बात हो रही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो इसके आधार पर पीपल के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति सम्मानजनक बने रहते हैं, रिस्पेक्टेबल बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे भी क्या चाहिए, आगे वोट चाहिए, है ना। इसलिए वो कैसे होते हैं, वो सम्मानजनक बने रहते हैं, और यदि वे जिम्मेदार नहीं रहते हैं तो लोग उन्हें अगले चुनाव के दौरान क्या करते हैं, बदल देते हैं। यही होता है जो कि आप देखते आ रहे हैं, जो अच्छा काम करता है, जो सरकार अच्छे काम करती है उसे लोग बार बार वोट देकर जिताते हैं, तो अगली बार वही हमारी सरकार बन जाती है। लेकिन जो सरकार अच्छा काम नहीं करती है लोग क्या करते हैं, लोग उसको अपने वोट से ही हरा देते हैं, और जो अच्छा काम सरकार करती है उसको आगे ले आती है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड है वो है बेस्ड ऑन लिबर्टी फ्रेटरनिटी एंड इक्वालिटी, यानी कि स्वतंत्रता बंधुत्वता और समानता, इसके आधार पर आप पढ़ेंगे। सो इन डेमोक्रेसी द राइट्स एंड द लिबर्टीज ऑफ द पीपल आर वेल सेफगार्डेड। पीपल आर गिवन फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज विदाउट एनी फियर। दे कैन इवन क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में पीपल के जो अधिकार हैं, जो उनकी स्वतंत्रता है, उनको वो क्या करती है, उनको उनसे या बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी में पीपल के जो अधिकार हैं, जो उनकी फ्रीडम है, उन फ्रीडम की अच्छी तरह से रक्षा की जाती है। लोगों के बिना किसी डर के अपने विचार को व्यक्त करने की यहाँ पर आज़ादी होती है। लोग जिसको चाहें वो वोट दे सकते हैं, जिसको चाहें जो बोल सकते हैं वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी है, या जो भी उस सरकार से रिलेटेड जो भी बातें हैं, है ना, जो उनके व्यूज़ हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो यहाँ पर उनको फ्रीडम दी जाती है कि वो बिना डर कर अपनी बात को कह सकें, और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनकी आलोचना भी की जाती है, है ना। तो ये फ्रीडम होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि मतभेदों, मतभेद की बात हो रही है यहाँ पर, मतभेदों का अकोमोडेशन। तो द पीपल और देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन एक्सप्रेस देयर डिफरेंसेस फ्रीली इन अ डेमोक्रेसी। Nothing is imposed on the people. There is an opposition in the parliament which opposes or exposes the ruling party or the government and checks their activities at every point. लोकतंत्र में जन प्रतिनिधित्व स्वतंत्र रूप से अपने मतभेद क्या करती है, वो अपने मतभेदों को एक्सप्रेस करती है। लोग पर कुछ भी यहाँ पर क्या इम्पोज नहीं किया जाता है, उनको उन पर थोपा नहीं जाता है कि तुम्हें ये काम करना ही करना है, है ना। यहाँ पर नहीं किया जाता, इस तरीके का कोई मतभेद नहीं होता है। लोग और संसद में विपक्ष भी होते हैं,
देखा होगा आपने, वो अच्छे से जो विपक्ष होते हैं वो अपने सामने वाली पार्टी की कितनी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, देखा ही होगा आपने। अपने काम को हमेशा ओहदा दिया जाता है, हमेशा उसको ऊपर रखा जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सामने वाली सरकार ने क्या किया है, कुछ ही नहीं किया है इन्होंने आज तक, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो विपक्ष जो होते हैं संसद में वो क्या करते हैं, वो बेनकाब करते हैं जो सामने वाली सरकार होती है ना, उसको क्या करते हैं, उस सरकार को बेनकाब करते हैं और हर बिंदु पर उनकी जो जो पॉइंट जो एक्टिविटी होती है ना, जो गतिविधियां होती हैं उनको क्या करते हैं, उनको चेक करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि समानता। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ये भारत के संविधान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। इसका मतलब है कि सभी कानून के बराबर हैं, कानून की नज़रों में जितना भी है सब क्या है, सब इक्वल हैं, है ना, इसलिए ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एट्सेट्रा। जाति को लेकर या किसी की क्रीड को लेकर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। समानता का मतलब क्या है, ऑल आर इक्वल, सभी लोग कैसे हैं, सभी इक्वल हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या किसी भी कास्ट किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो, कानून सबके लिए क्या होते हैं, कानून सबके लिए इक्वल होते हैं। उसे किसी के अमीर गरीब या धर्म किस कास्ट किसी से कोई मतलब नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द राइट्स टू इक्वालिटी। समानता के अधिकार को अनुदान देता है कौन, जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को समानता का अधिकार देता है, सभी को। उसने बोला है कि भारत में रहने वाले हर एक लोगों को क्या है, समान अधिकार प्राप्त हैं। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान है। इक्वालिटी इज़ गिवन थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अंडर दिस सिस्टम ऑल एडल्ट सिटीजन आर गिवन द राइट टू वोट। सार्वभौमिक वयस्क फ्रेंचाइज के माध्यम से समानताएं यानी कि इक्वालिटी दी जाती हैं और इस सिस्टम के अंडर सभी एडल्ट सिटीजन को वोट देने का अधिकार भी है। जो 18 वर्ष से ऊपर जितने भी सिटीजन हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार है। उसके बाद है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता के विभिन्न रूप। इट इज़ नो डैट अपोजिट्स को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम्स। विरोधी एक ही समय में कैसे होते हैं, को एग्जिस्ट में हैं। इस तरह भारत में समानता और असमानता किस में है, को एग्जिस्ट में है, यानी कि सह अस्तित्व में है। वी हैव टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी एंड हाउ द राइट टू वोट और एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर्स इक्वालिटी इन ए डेमोक्रेसी सेटअप लाइक अवर्स। हाउएवर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज आर रैम्पेंट टू। दीज आर इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन इनकम कास्ट एंड रिलीजियन टू नेम अ फ्यू। हमने लोकतंत्र के बारे में बात की और कैसे वोट का अधिकार या एडल्ट मताधिकार हमारे जैसे लोकतांत्रिक में समानता क्या करते हैं, ये समानता सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देश में हमारे लोकतंत्र में लोगों को वोट देने का अधिकार भी है और जो वयस्क हैं उनको भी अधिकार हैं, है ना, तो ये सुनिश्चित है।
However, social inequality in the form of caste system still is a major deterrent in the upliftment of rural areas. कुछ प्रकार की असमानताएं भी हैं, ये कुछ नाम रखने के लिए, जैसे कि कास्ट हो गई है ना, रिलीजियन हो गया या फिर इनकम हो गई, इन पर कुछ हमें असमानताएं देखने को मिलती हैं कहीं कहीं पर। हम ये नहीं बोलेंगे कि हर जगह, कहीं कहीं पर हमें इनकम के आधार पर हमें वहाँ पर असमानता देखने को मिलती है, या कास्ट के आधार पर भी हमें कहीं कहीं पर असमानताएं देखने को मिलती हैं, या फिर रिलीजियन के आधार पर, है ना। और कभी कभी कुछ और रीज़न भी होते हैं जिनके आधार पर हमें असमानता देखने को मिलती हैं। ये केवल सोशल की बात हो रही है, ये हमारे समाज में होता है, ऐसा हमारे समाज में होता है कहीं कहीं पर, ये नहीं बोलेंगे कि हर जगह पर। डिसीड्यूल कास्ट और दी अदर बैकवर्ड क्लासेस आर स्टिल denied a life or dignity and forced to the most manual of all jobs. They are even denied access to temples, school, potable water, ration supply. The worst victims are small children who are unable to receive education because of discrimination. देखिए पूरी बात यहाँ पर क्या की गई है, असमानता की गई है। एक तो इनकम के आधार पर भी है ना, जो सोशल इनइक्वालिटी है वो क्या है, हमें इनकम के आधार पर भी वहाँ इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, और जाति के आधार पर भी, धर्म के आधार पर भी। और यहाँ पर बात की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें क्या होता है कि पिछड़े वर्गों को आज भी सम्मान के जीवन से उन्हें वंचित रखा जाता है। जिस तरीके से एक अमीर लोग वहाँ पर, या हाई कास्ट के लोग हम बोल सकते हैं, जैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो SC लोग हैं, है ना, उनको टेंपल से मंदिरों में जाने का नहीं जाने देते हैं, स्कूलों में बच्चे को पढ़ने नहीं देते हैं, उन्हें पोटेबल वाटर नहीं मिलता है। तो इस तरीके की बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हक है उनका जो कि मिलना चाहिए और उनको नहीं मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। बट अब क्या हो रहा है कि इन सबको भी धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, है ना। अनुसूचित जातियां या अन सभी नौकरियों में सबसे अधिक काम करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, उन्हें मंदिरों में, स्कूलों में, और जैसे कि अभी बताया पोचेबल वाटर है, राशन है, आपूर्ति तक पहुंच से उनको वंचित कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको राशन भी नहीं मिल पाता है। राशन जबकि सरकार तो सबके लिए इक्वल राशन देती है, SC वालों के लिए, OBC वालों के लिए राशन देती है, लेकिन राशन उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जीवन कितना ज़्यादा कष्टनीय है ना, बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है उनका जीवन। सबसे ज़्यादा शिकार जो होते हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा वो कौन होते हैं, वो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, वो स्मॉल चिल्ड्रन बच्चे हैं जो भेदभाव के कारण शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें इतना भी अधिकार नहीं मिल पाता है कि वो स्कूल में दूसरे बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सकें। जबकि ऐसा कहाँ, कौन सी संविधान में, कौन सी बुक में कहा गया है कि गरीब बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है जबकि अमीर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, ऐसा कहीं कहा गया है, नहीं कहा गया है। भारत का संविधान कहता है कि सभी को एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है, सभी को मंदिर में जाने का अधिकार प्राप्त है, सभी को पोटेबल वाटर मिलना चाहिए, सभी को राशन मिलना चाहिए, जो गरीबी रेखा से जीवन व्यतीत करते हैं सभी को राशन मिलना चाहिए। बट ये सब क्या है, ये सब जो करते हैं वो कौन करते हैं, ये करते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं ना, जो थोड़े बहुत पैसे वाले होते हैं या जिनकी कास्ट अपर कास्ट होती है, वो इस तरीके का अपराध करते हैं जो कि कानून के नज़रों में एक कानूनी अपराध ही है। बट धीरे धीरे सरकार इनको भी दूर करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट मेजर टू इंश्योर इक्वालिटी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
हैज़ रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी डैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉ एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज। भारतीय संविधान ने समानता की अवधारणा को मान्यता दी है। संविधान में गारंटी इक्वालिटी को लागू करने के लिए सरकार ने जिन दो तरीकों से प्रयास किया है तो उसमें पहला था लॉ के माध्यम से और दूसरा था गवर्नमेंट योजनाएं यानी कि स्कीम्स या प्रोग्राम्स के थ्रू जिनसे लोगों की हेल्प की जा सके, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके, है ना। अब वो हेल्प देखिए किस किस रूप में सरकार करती है। फर्स्ट है मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 1995। मध्य है भोजन योजना, ये 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। अंडर दिस स्कीम ऑल एलिमेंट्री गवर्नमेंट स्कूल्स वेयर टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। इस योजना के तहत सभी जो गवर्नमेंट यानी कि प्राइमरी गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भोजन प्रदान किया जाएगा, जो दोपहर का भोजन है ना वो उनको दिया जाएगा, वहाँ बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, तो ये फैसिलिटी दी गई। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट, दिस इंक्लूड द फैक्ट डैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगिन इनरोलिंग एंड अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली। दिस सिस्टम हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रिजॉन्डेस बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। अब देखिए इस योजना से कितना बड़ा बदलाव हुआ। जब ये योजना शुरू की गई तो इस योजना में ये रखा गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को खाना मुफ्त में दिया जाएगा, तो इससे क्या हो गया, बच्चे खाने के लिए स्कूल में रेगुलर जाएगा, है ना, तो उसकी वहाँ पे प्रेजेंट ज़रूर लगेंगे। अब बच्चा डेली स्कूल जाएगा तो कुछ ना कुछ तो स्कूल में जाके सीखेगा ना, तो इससे बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ये क्या था, इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, इस सिस्टम का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा सभी पे। और इसमें क्या किया, अधिक से अधिक जो पुअर चिल्ड्रन थे उनका एडमिशन होने लगा, है ना, एडमिशन की जो संख्या थी वो इंक्रीज़ होने लगे। वो चाहे बच्चे इसी लालच में क्यों ना जाते हों क्योंकि वहाँ पे खाना मिलता है, कुछ भी हो उनका रीज़न कुछ भी हो, बट यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या था कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, उनको खाना देना, साथ साथ में उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड कराना, है ना, उन्हें भी शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रखना। तो इस प्रणाली ने क्या किया, जो कास्ट प्रिजॉन्डिस था उसको क्या किया, उसको कम करने में हेल्प की, क्योंकि स्कूल में अपर एंड लोअर कास्ट के बच्चे दोनों एक साथ यहाँ पर क्या करते थे, एक साथ खाना खाते थे। इस प्रकार एक लोकतंत्र तभी सफल होता है, तभी सक्सेसफुल होता है जब वेयर ऑल काइंड्स ऑफ इक्वालिटी प्रिवल्स एंड पीपल लिव इन ए फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट। मीन्स जब सभी प्रकार की समानताएं होती हैं, हर प्रकार की समानता, वो चाहे एजुकेशन की समानता हो, है ना, कहीं पर आने जाने की, या फिर किसी भी बात से लेकर कोई भी उनमें मतभेद ना किया जाए, है ना, सभी को सारे अधिकार प्राप्त हों, तो एक लोकतंत्र तभी सफल होता है जब सभी प्रकार की समानता होती है और लोग एक स्वतंत्र अप्रतिबंधित वातावरण में रहते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर और इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।